मित्रों, 2004 में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर के बारे में अब तक जो जानकारियां सामने आई है वो काफ़ी रोचक है। भगवान राम का मंदिर अष्टकोणी होगा। मंदिर में 44 दरवाजे होंगे। सभी दरवाजे सागौन की लकड़ी से बनेंगे। मित्रों, सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र सरकार प्रदान करेगी। 44 दरवाजों के लिए 2000 घन फीट सागवान की लकड़ी मंगवाई गई है और दरवाजों को तराशने के लिए कुशल कारीगरों की तलाश शुरू हो चुकी है। भगवान राम का मंदिर जहां पर होगा वहां से 84 कोस की पूरी परिक्रमा तक जितनी भी इमारतें होगी सारी इमारतें भगवा रंग की होगी, क्योंकि इस पूरे 84 कोस के इलाके में एक कॉमन बिल्डिंग कोड लागू किया जाएगा। सभी मंदिरों के इमारतों के रंग उसी रंग के होंगे जिस रंग का भगवान राम का मंदिर होगा। सीता रसोई को एक बहुत बड़ी पाठशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर हजारों लोगों को निशुल्क प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मित्रों, इसके लिए अनाज और सब्जी के भंडारण का गृह बनाया जाएगा और खाना बनाने के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। 108 को हिंदू धर्म में विशेष रूप से पवित्र संख्या माना जाता है, इसलिए पूरा मंदिर परिसर 108 एकड़ का होगा। श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण विशेष संगमरमर के पत्थरों से किया जाएगा। यह संगमरमर के पत्थर मकराना से लाए जाएंगे। मकराना के संगमरमर के पत्थरों से ही तेजो महालय का भी निर्माण हुआ है। मित्रों, रामनवमी के विशेष मौके पर सिर्फ एक दिन भगवान श्री राम का सूर्य तिलक होगा। सूर्य तिलक का अर्थ यह है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें गर्भगृह में आकर के रिफ्लेक्टर के द्वारा सीधे भगवान राम के ललाट पर आज्ञा चक्र पर जाकर स्पर्श करेगी। इसे ही सूर्य तिलक कहा जाएगा। इसके लिए ITI की ओर विशेष वैज्ञानिकों की मदद भी ली जा रही है। तीर्थ ट्रस्ट का अनुमान है कि मंदिर बन जाने के बाद दर्शन के लिए हर दिन 50,000 भक्त आएंगे। इस तरह महीने में करीब 15,00,000 और साल में करीब 2 करोड़ भक्त दर्शन के लिए आएंगे। ऐसी स्थिति में भक्तों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में जब दुनिया का इतना बड़ा तीर्थ भक्तों के लिए खुलेगा तो दुनिया के 200 से ज़्यादा देश भारत के इस महान विरासत को, इस महान चमत्कार को, भारत के महान ईश्वर की हर कोई वंदना करेगा। इसीलिए मित्रों, कहा जा रहा है 2024 में एक चमत्कार होगा। पूरी दुनिया का भारत को नमस्कार होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।